सीबीआई ने दिल्ली सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के खाते से 223 करोड़ रुपए गायब होने को लेकर एक मामला दर्ज किया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोप यह है कि ये पैसे फर्जी बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। सीबीआई ने इस पूरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर एल ए खान और दिल्ली सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि इसमें वन और पर्यावरण विभाग बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों की मिलीभगत है। मामला दर्ज किए जाने से पहले सीबीआई की शुरुआती जांच में यह पाया गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर एल ए खान ने दिल्ली सरकार के वन और पर्यावरण विभाग की तरफ से जारी चिट्ठी के आधार पर DUSIB के नाम से खोले गए खाते में पैसे डाले थे और ये बैंक खाता फर्जी था।